किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ना जिंदगी पर और ना मौत पर। कल 2 सितंबर 2021 को जब बिग बॉस के विजेता और सबके चहेते सिद्धार्थ शुक्ला के देहांत की खबर सामने आई तो मानो इस बात पर कोई मोहर लग गई हो। जिंदगी कभी भी पलट सकती है और किसी भी करवट वो कर सकती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पिछले कुछ महीनों और सालों में हमने ऐसे कई सितारे खोए हैं जिन्होंने वक्त से पहले ही हमें अलविदा कह दिया है। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए पेश हैं हमारे कुछ शब्द। कभी सुशांत, कभी इरफान, कभी सिद्धार्थ दिख रहे हैं। जमीन पर चमके ये सितारे कैसे अब आसमान में दिख रहे हैं। इनके मुस्कुराते चेहरों ने तो पर्दे पर हंसी बेची है, आंसू पोंछे हैं और हंसती तस्वीर खींची है। जो उड़ा दे लोगों की नींद, छीन ले चैन और बर्बाद कर दे जिंदगी, भगवान को क्या ऐसे कोई हैवान नहीं दिख रहे हैं। जमीन पर चमके ये सितारे कैसे अब आसमान में दिख रहे हैं। सांसों की डोर कितनी है कच्ची या पक्के कितने हैं मौत के इरादे। ये अभिनेता जो मिले भी नहीं हैं उनसे कैसे बिलख पड़ते हैं वो तमाम फैन सारे। पोस्टर लगाए, मोमबत्ती उठाए, घर के आगे जो कोविड काल में भी भीड़ लगाए, जिन्हें दिखेगा ही नहीं अभिनेता का आखिरी चेहरा, वो किस लिए रुके हैं यहाँ आस लगाए। फैंस भी तो नहीं हैं पराए। मगर इन्हें छोड़ो, माँ, पत्नी, बहन और परिवार के तमाम सवाल क्या ऊपर वाले को नहीं दिख रहे हैं। जमीन पर चमके ये सितारे कैसे आसमान में दिख रहे हैं। कभी सुशांत, कभी इरफान, कभी सिद्धार्थ दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं और नहीं दिखेंगे अब से हमें इनके नए एयरपोर्ट लुक, इनके नए चश्मे और हाथ में वो मोटी सी बुक। इनके बारे में लिखेंगे भी तो वो ऐसे थे, वो वैसे थे, ऐसे ही लिखेंगे और सब कुछ थ्रोबैक लिखकर हम अंत में इनको अलविदा लिखेंगे। भगवान से पूछेंगे एक सवाल जाते जाते, क्या इतने ऊपर से इन्हें हम रोते नहीं दिख रहे हैं।